नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों। बड़ी खबर नरसिंहपुर से, जहां भगवान ब्रह्मा की तपोस्थली बरमान घाट में मां नर्मदा का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। जी हां, लगातार बारिश से नर्मदा नदी ने विकराल रूप लिया है। घाटों पर स्थित सभी मंदिर नर्मदा के जल में जलमग्न हो चुके हैं। वहीं नर्मदा नदी में बना एक पुल पहले ही डूब चुका है, वहीं दूसरे पुल पर पानी कुछ ही देर में आने की संभावना है। खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही नर्मदा नदी, प्रशासन और पुलिस की टीमें मौजूद। मार्ग को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। हम आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं नर्मदा नदी के उस विकराल रूप की, जैसे शायद आपने पहले नहीं देखा होगा। लगातार हो रही बारिश से नर्मदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर है। वहीं बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। प्रशासन, शासन और पुलिस लगातार लोगों की मदद और बारिश में प्रभावित हुए लोगों के रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में लगी हुई हैं। शासन की पूरी तैयारी है, देख लीजिए, पूरा स्टाफ हम लोग सब लगे हुए हैं। और ये पुराना पुल है नर्मदा मैया का, सतधारा वाला, इसके ये जो खम्भों पे कितना ज़्यादा प्रेशर के साथ पानी आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ से सब जनता को हटा दिया है और दोनों तरफ से मार्ग अवरुद्ध किया है कि इस पुल के ऊपर से भी लोग आना जाना ना करें, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी की संभावना को भी नकारा जा सके। साथ ही रेड अलर्ट न्यूज भी आपसे अपील करता है, किसी भी पुल पर पानी होने की दशा में पुल पार करने का प्रयास ना करें, अपने घरों में रहकर ही सुरक्षित रहें। नरसिंहपुर से विवेक पटेल की रिपोर्ट।